70 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। उस फिल्म का एक गाना था जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ये गाने की पंक्ति एक 7 साल के बच्चे के ऊपर सार्थक होती जो कि दिल्ली के फरीदाबाद से जनरल कोच में अकेला परिवार से बिछड़कर दाहोद तक पहुंचा और दाहोद में एक रेल यात्री की मदद से RPF की टीम ने उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस बच्चे को अपने परिवार से मिलाने की जद्दोजहद में जुटी है। क्या है पूरा मामला जानिए इस रिपोर्ट में। यह कहानी शुरू होती है नई दिल्ली के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से, जब 19020 बांद्रा हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी होती है और एक बूढ़ी सी अम्मा अपने 7 साल के नवासे के साथ में जनरल कोच में चढ़ने की जद्दोजहद करती है, किंतु भीड़ होने के कारण जैसे तैसे वो 7 साल का बच्चा जनरल कोच में चढ़ जाता है, लेकिन जो बूढ़ी और असहाय जो नानी थी वो चढ़ नहीं पाती है। और होता क्या है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो जाती है। अब प्लेटफॉर्म से ट्रेन रवाना होने के बाद दोनों नवासी और नवासा और नानी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, परिवार से बिछड़ जाते हैं। और ये बच्चा 7 साल का बच्चा जनरल कोच में रोता बिलखता पूरी रात अपनी नानी को याद कर रहा था, लेकिन इस जनरल कोच के डब्बे में जितने भी यात्री यात्रा कर रहे थे, तकरीबन 70 से 100 यात्री यात्रा कर रहे थे, उनको इस बच्चे के आंसू नहीं दिखे। बाद में जब ये बच्चा रोता बिलखता भूखा प्यासा एक कोने में बैठा हुआ था, जब ये गाड़ी रतलाम के पास में आई तो एक जागरूक यात्री की नज़र इस पर पड़ी और जब इसने इस बच्चे को प्यार से पुचका बिठाया और पूछा तो उस बच्चे ने टूटी टूटी आवाज़ में रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई। और उसके बाद में इस रेल यात्री ने रेल मदद की एप्लीकेशन के द्वारा एक शिकायत की और उसके बाद में दाहोद RPF ने इस बच्चे को दाहोद रेलवे स्टेशन पर उतारा। जब ये ट्रेन दाहोद रेलवे स्टेशन पर पहुंची, उस दौरान इस यात्री ने उस बच्चे को खाना खिलाया और उसको प्यार से पुचकार कर दाहोद तक लेकर आया। RPF ने इस बच्चे को उतार कर कार्यालय पर लेकर आई। उसके बाद में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इसकी जानकारी दी गई। थोड़ी ही देर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दाहोद रेलवे स्टेशन पर आती है और बच्चे का जो है सुपुर्द किया जाता है RPF द्वारा इस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों को। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और RPF फरीदाबाद रेलवे पुलिस को जानकारी देती है कि एक बच्चा जो कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से देहरादून एक्सप्रेस में चढ़ा था वो दाहोद में उतार लिया गया है, उसके परिवार को ढूंढने की जद्दोजहद की जा रही है। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और RPF इस बच्चे को अपने परिवार से मिलाने की जद्दोजहद में जुड़ गई है। गौरतलब हो कि विकसित भारत के संकल्प के साथ भारतीय रेलवे आने वाले समय में बुलेट ट्रेन दौड़ाने की दिशा में काम कर रही है, वहीं अमृत भारत स्टेशन पर आने वाले समय में वंदे भारत जैसी हाई क्लास टेक्नोलॉजी वाली ट्रेनें खड़ी होगी। कि भारतीय रेलवे में आज भी जनरल कोच के में जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह यात्री भरे जाते वो शायद भारतीय रेलवे को दिखाई नहीं देते। एक यही भीड़ के कारण आज 7 साल का बच्चा उसकी नानी से जुदा हो गया और 12 घंटे फरीदाबाद से लेकर दाहोद के बीच उसने क्या क्या यातनाएँ की होगी, उसके साथ उसके परिवार की क्या हालत होगी, इन सभी दिशा में रेलवे को सोचना चाहिए। और साथ साथ में जब जनरल कोच की बात आती है, फिर जनरल कोच में होने वाली भीड़ को किस प्रकार कम किया जाए, इस बारे में भी रेल मंत्री हो या रेलवे मंत्रालय, इनको सोचने की जरूरत है। तो दर्शक मित्रों, अभी हम जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो अभी जो ये 7 साल का बच्चा है अभी अपने परिवार से दूर है। परिवार के लोगों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और RPF ढूंढने की जद्दोजहद में। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप फरीदाबाद या दिल्ली की ओर से हैं तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बच्चे को अपने परिवार से मिलाया जा सके। और अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर ये बच्चा अपने परिवार तक पहुँचता है तो हम ये सोचेंगे हमारा ये वीडियो कामयाब हुआ। जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।